हेलो टू ऑल ऑफ यू, मैं अनिकेत आप सबका इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी का जो है राइसी का एग्जामिनेशन खत्म हो गया होगा और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सबका एग्जाम काफी अच्छा हुआ होगा। बाकी जो है राइसी का एग्जाम तो आपने दे दिया, ठीक है। अब आपके सामने SBI जो है इस साल 2019 में काफी बड़ा धमाका लेके आया है, जो कि PO और क्लर्क दोनों एग्जाम एक साथ आपके लिए ले गया है। तो मेरा कहना ये है कि जैसे मैंने एग्जाम सेंटर पे आज मैं LIC के एनालिसिस के लिए गया था, तो वहां पे मैंने क्या एक चीज एनालाइज किया कि जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस यूं ही एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता नहीं है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, किस तरीके से सोचना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये कमी है और यही एक डिफरेंस है जो कि जो बच्चा सेलेक्ट होता है और जो बच्चा जो सेलेक्ट होने से रह जाता है, यही एक डिफरेंस है, यही एक गैप है जो हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। तो इस वीडियो सेशन में मैं ये आशा करता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि PO और क्लर्क दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे होंगे और मेरे हिसाब से करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, ना PO का जॉब है ना क्लर्क का जॉब है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे PO में जाना है या क्लर्क में जाना है, आपको दोनों एग्जाम जो है बिल्कुल साथ लेके चलना है। और कहीं ना कहीं जो है एग्जाम का सिलेबस जो है वो लगभग लगभग सेम है, कुछ लेवल, हाँ भले लेवल एग्जाम का जो है डिफरेंट है लेकिन जो है आपका सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है। फिर भी आपको अगर PO की तैयारी आप अलग से कर रहे हो या क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको एक सही गाइडलाइंस और एक सही स्ट्रेटजी की बिल्कुल सख्त जरूरत है। तो मैं इस वीडियो सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक बात मैं इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो के लास्ट सेकंड तक मेरे इस वीडियो को देखें, मैं काफी इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपसे, काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा जो आपके साथ मैं शेयर करने आया हूं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, आइए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं SBI एग्जाम जो है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो है लेके आया है। जो SBI PO का, अगर SBI PO की बात करें तो जो है 8 जून से इन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि 8 जून से इनका जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। SBI क्लर्क, अगर मैं बात करूं SBI क्लर्क का, तो SBI क्लर्क का भी एग्जाम जून में ही होना है, इन्होंने डेट अभी नहीं दिया है। ऑब्वियसली बात है कि SBI PO की जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन पहले आई है, तो मेरे हिसाब से SBI PO का जो है एग्जाम पहले होना है, लेकिन जो है SBI क्लर्क का जो है एग्जाम उसके बाद होगा जून में, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं वैकेंसी की और कंपटीशन की, तो वैकेंसी जो है SBI क्लर्क में आप सब जान रहे 8653 है, SBI PO में जो है 2000 वैकेंसी। अगर दोनों को कंपेयर करें तो SBI क्लर्क में ज्यादा वैकेंसी है, SBI PO में वैकेंसी कम है, 2000 है, लेकिन 2000 भी बहुत काफी अच्छी वैकेंसी होती है। ऑब्वियसली बात है कंपटीशन जो है SBI क्लर्क में ज्यादा होगा SBI PO से, क्यों? क्योंकि जो SBI क्लर्कल जो है आपका स्टेट वाइज आपको अप्लाई करना है, SBI PO जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कंप्लीट है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो SBI क्लर्क में ज्यादा है, SBI क्लर्क में वैकेंसी भी ज्यादा है, तो कंपटीशन भी ज्यादा है, ठीक है। एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम देखें उसके बाद क्या है, लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑब्वियसली बात है SBI PO का, चाहे प्रीलिम्स या मेंस की बात करें, और SBI क्लर्क या प्रीलिम्स या मेंस की बात करें, तो SBI PO का जो है वैकेंसी लेवल की बात करूं मैं, तो SBI PO का लेवल जो है SBI क्लर्क से ऑब्वियस है ज्यादा होने वाला है, इसका लेवल SBI क्लर्क से ज्यादा रहेगा। अब आते हैं बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बतानी है, मुझे फ्री स्टडी मटेरियल जो bankersadda.com आपको प्रोवाइड करेगा SBI PO प्रीलिम्स के लिए, मतलब SBI PO प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एक सही तरीका होना चाहिए, तो उसके लिए जो है bankersadda.com फरवरी मंथ से ही जो है SBI PO प्रीलिम्स का स्टडी प्लान आपके आपके सामने लेके आया है। SBI PO प्रीलिम्स का स्टडी प्लान फॉलो हो रहा है, फरवरी मार्च का ऑलरेडी है BA पे, मार्च का भी है और अप्रैल का भी है, और मई मंथ का जो है हमने जो स्टडी प्लान BA पे डाल रखा है। आपको जो है फरवरी मार्च अप्रैल इसका स्टडी प्लान नहीं मिला होगा, हम इस वीडियो के नीचे जो है फरवरी मार्च अप्रैल और मई ये चारों मंथ्स का जो है स्टडी प्लान का लिंक हम लगा देंगे, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें जो है इसके मई मंथ का जो स्टडी प्लान, तो अगर मई मंथ में हम देखें तो फर्स्ट मई से जो है हमने स्टार्ट कर दिया है रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीन ऐसे जो है हमारे जो है सब्जेक्ट है जिनमें कि हम अलग अलग टॉपिक पे जो है क्विज लेके आ रहे हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट मई से जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, और आप उसके बाद जो है हम डेली जो है हर दिन अलग अलग टॉपिक जो है हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट में कोई इंग्रेडिएंट्स हमने देखा था, फिर DI थे, फिर सिंगल एंड ट्रिपल जो है फीलर था इंग्लिश लैंग्वेज में, सेम उसी तरीके से अलग अलग दिन पे हम अलग अलग टॉपिक कवर कर रहे हैं। उसके बाद
हर वीक में जो है हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जिसमें कि आपको जितने भी आपने जो है टॉपिक ऊपर जो है कवर किए हैं उनके बेसिस पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस करना है, उसमें आप दे सकते हैं ताकि अपने सारे टॉपिक जो उसने जो आपने जो है कवर किए हैं वो जो है आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। उसके बाद से फिर से जो है आप देखेंगे 6 मई से लेके ये 15 मई तक का आपके सामने प्लान है जो कि कंप्लीट, मतलब अगर मैं बात करूँ रीजनिंग एबिलिटी की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की और इंग्लिश की, इसमें हर तरीके पजल्स की बात करो या फिर मिक्स क्वेश्चन की बात करो या फिर डीआई की बात करो या इंग्लिश में एरर की बात करो या पैसेस की बात करो या मैं क्लोज टेस्ट की बात करो, तो हर दिन हमने अलग अलग टॉपिक्स जो है रख रखा है। इसमें आपको जो है काफी अच्छे क्विज जो है यहाँ और लेटेस्ट पैटर्न पे क्विज आपको देखने को मिलेंगे। तो सेम उसी तरीके से मैं आगे की बात करूँ तो हमने जो है कंटिन्यू करते हुए जो है हमने जो है पूरे मंथ का, पूरे मई मंथ का जो है हमने प्लान जो है bankersadda.com पे दे रखा है। आपको इसको जो है इसके स्केड्यूल को फॉलो करना है और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ SBI PO में 22,000 वैकेंसी है, आप इसको फॉलो करें 2,000 के अंदर आपका नाम श्योर है। तो ये जो है SBI PO का जो है हमने स्टडी प्लान जो है मई मंथ का बना रखा है। जून मंथ में 8 जून से प्लान है, उसके उसके बाद का जो है फिर क्या होगा वो हम मैं बताऊंगा। जो फरवरी मंथ से जो हमारा स्टडी प्लान है उसके लिंक आपको चाहिए होंगे तो इस वीडियो के नीचे जो है हम जो है लिंक ये लगा देंगे आपको, ठीक है। अब आते हैं बात जो है बहुत सारे बच्चे जो है SBI PO और SBI क्लर्क साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में बच्चों जो है सिलेबस सेम है, बस लेवल ऑफ एग्जाम जो है थोड़ा सा डिफरेंट जरूर रहेगा। थोड़ा क्या, SBI प्रीलिम्स की बात करें और क्लर्क मेंस की बात करें तो उसमें लॉजिकल वगैरह के क्वेश्चंस काफी अच्छे रहेंगे, DI के क्वेश्चंस भी लेवल जो है इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ SBI क्लरिकल प्रीलिम्स की, इसका भी स्टडी प्लान बच्चों हमने जो है लॉन्च कर दिया है bankersadda.com पे, और 6 मई से, 6 मई से जो है आपको जो है इसके ऊपर क्विज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे वो प्लान है, क्या वो प्लान है, वो मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूं। तो वो प्लान बच्चों ये है कि जो है 6 मई से जो है day 1 से आपको रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज इन तीनों सेक्शन में जो है आपको टॉपिक वाइज सेम जो है आपको अलग अलग टॉपिक के क्विज मिलेंगे। जैसे 6 मई को जो है सिलोलिज्म, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज में क्लोज टेस्ट पे हम जो है पहले क्विज दे रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे के रीजनिंग के हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और इंग्लिश के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। सेम हमने इसमें भी वही अप्रोच अपनाया है कि सारे टॉपिक जो ऊपर हम जो दे रहे हैं उसके ऊपर जो है हम प्रैक्टिस सेट जो है लेके आएंगे ताकि जो है आप एक दे सके कि हाँ भाई हम कहाँ पे किस लेवल पे हम स्टैंड कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेट देने से वहां आपको ये अंदाजा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो पूरे मई मंथ का प्लान हम आपके सामने bankersadda.com पे लेके आए हैं, आप बच्चों इसको जरूर फॉलो करें। SBI क्लरिकल में मैं आपको बता दूं 8653 वैकेंसी है जो कि ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है। और जैसे मैंने SBI PO की बात की, मैं सेम मैं SBI क्लर्क में की बात कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करें, हमारे क्विज को फॉलो करें, इस नंबर के अंदर आपका नाम तय है, आपका नाम श्योर है, आपका नाम पक्का है, आप ये हमारे साथ आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्त क्या है कि अगर मैं एक चीज छोटा सा एक चीज देख लूं कि जो है प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल जो है 2018 में SBI PO प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आया था, क्या एनालिसिस था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जरा सा दो दो सेकंड हम उस पर नजर मार लेते हैं। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो पेपर जो है ओवरऑल जो है मॉडरेट पूछा गया था। DI से जो है पाई चार्ट और बार ग्राफ के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसिंग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वांटिटी बेस से जो है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मिसलेनियस जैसे अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, परसेंटेज पे, टाइम एंड वर्क पे। तो इस तरीके से जो टोटल 10 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, मतलब ये टोटल जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है मॉडरेट था, काफी टफ नहीं था, जिसमें कि RC से जो है 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो करेक्ट सेंटेंस हमें करना था, आइडेंटिफाई करना था, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैच द कॉलम से जो है 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। क्लोज स्टेज से 5 नंबर का, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 नंबर के क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट से लेंथी के बीच में था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो है आपको एक प्रीवियस ईयर का एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस साल जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का एनालाइज करना ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
तो प्रीवियस रीजनिंग में की बात करें, मैं रीजनिंग में जो है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 3 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टोटल जो है मॉडरेट था, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी था ये और बाकी सेक्शन से, ठीक है। तो ये जो है हम प्रीवियस एनालिसिस के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि SBI PO के बारे में तो हम जान लिए, SBI क्लर्कल के बारे में, क्योंकि मैं इस वीडियो सेशन में मैं आपको जो है SBI PO और SBI क्लर्क दोनों के बारे में बता रहा हूं। मतलब आपको किसी भी तरीके से मुझे SBI बैंक में पहुंचाना है, ये हमारा एम है। तो इसलिए जो है हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो है SBI क्लर्क का भी जो है हम लेके आए हैं। इसमें SBI क्लर्क का अगर हम देखें न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल था इसमें। मिसिंग सीरीज जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, DI से 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5, सिंप्लीफिकेशन से 8, और प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 2, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1, और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन से 1, और उसके बाद SI एंड CI की बात करें तो 1 क्वेश्चन पूछा गया था। बाद बाकी जो है टोटल इसके 5 और 6 नंबर जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश में जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 7 नंबर का था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5, फ्रेज रिप्लेसमेंट 5, एरर डिटेक्शन के 8 क्वेश्चन, फिलर्स के 5, तो टोटल इसमें 30 क्वेश्चन थे, इजी इजी टू मॉडरेट लेवल था। रीजनिंग भी जो हमारा मॉडरेट था, इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 15, डायरेक्शन सेंस के 3, ब्लड रिलेशन के 2, डेटा सफिशिएंसी भी पूछा गया था, ये ध्यान रखना आप, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग के 2 और न्यूमेरिकल सीरीज के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि डेटा सफिशिएंसी भी जो है पूछा गया था 3 नंबर का, ये बच्चों ध्यान रखना, डेटा सफिशिएंसी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें टोटल 35 क्वेश्चन था। तो ये हमने क्या किया, हमने जो है प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख लिया SBI PO प्रीलिम्स का और SBI क्लिनिकल प्रीलिम्स का, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन होने वाला है। हमने आपको फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में बता दिया कि आपको bankersadda.com पे, हम इस वीडियो के लिंक के नीचे भी डाल देंगे, तो आपको वहां से फॉलो करना है SBI PO प्रीलिम्स और SBI क्लिनिकल प्रीलिम्स का स्टडी प्लान, आपको वहां से फॉलो करना है। बच्चों एग्जाम आपका ऑनलाइन होना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस के लिए कि आप ऑनलाइन ST दें, ऑनलाइन एग्जाम दें, ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आ सके, आप अपने आप को पहचान सके कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको मॉक लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमने SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम के लिए नहीं, पूरे ही SBI PO एग्जाम के लिए जो है हमने SBI PO प्राइम जो है 2019 को लॉन्च किया है विथ वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें हम वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। उसमें टोटल 85 प्लस टोटल टेस्ट है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट भी है, और 20 टॉपिक वाइज भी टेस्ट हमने दिया है। मतलब जो लोग जो SBI PO की तैयारी कर रहे हैं वो SBI PO प्राइम भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो SBI क्लर्क की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, हमने SBI क्लर्क प्राइम भी जो है लॉन्च किया, इसमें भी जो 85 प्लस टोटल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट भी है, 20 टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। तो जो क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो SBI क्लर्क प्राइम ले सकते हैं। अब जो दोनों तैयारी कर रहे हैं प्योर क्लर्क की, जो कि सबसे काफी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, तो आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए, ये मेरा एडवाइस है। तो इसमें SBI प्राइम जिसमें PO और क्लर्क दोनों हैं, आपको इसमें टोटल 175 प्लस टोटल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं इसमें, सेक्शन वाइज सेट्स भी है और टॉपिक वाइज सेट्स भी है, मतलब कंप्लीट है। तो आपका जो है ये तीनों कंप्लीट पैकेज है, जो कि आपको ये नैया पार लगाएगा, आपको SBI जो है आपको SBI बैंक में आपको लेके जाएगा। तो आप बच्चों ये मेरा वीडियो है, आप हर एक सेकेंड काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कही है, तो लास्ट तक आप ये वीडियो जरूर देखना। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे SBI क्लर्क हो चाहे PO हो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप उसके अंदर जरूर होगे, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मुझे आपको देना था मैंने दे दिया। अब एक गाइडलाइंस की काफी इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, कुछ क्वेरी होती है जो कि इस वीडियो सेशन में हो सकता है कि मैंने आपको कुछ क्वेरी, आपकी क्वेरी ना ली हो, कुछ और भी आप पूछना चाह रहे हो मेरे से, कुछ और जानना चाह रहे हो SBI PO के रिगार्डिंग, SBI क्लर्क के रिगार्डिंग, हमारे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, स्टडी प्लान के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट हो आप, तो आप मुझे aniket.kumar@adda247.com पे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर करूंगा, चाहे जो भी क्वेरी होगी आपकी, ठीक है। और इन केस आपको जो भी मैंने आपके प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं SBI से रिलेटेड, आपको क्या करना है, store.adda247.com पे विजिट करना है, वहां पे टेस्ट सीरीज वाले टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको वहीं पे सारे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिया, और मैं आशा करता हूं, मैं ये होप करता हूं कि आप सभी काफी मेहनत कर रहे होंगे और एक सही गाइडलाइंस के साथ मेहनत कर रहे होंगे, और उसके बाद
ये हमारे तरफ से आपको बेस्ट विशेस है कि आप जो है ये SBI एग्जाम क्रैक करें और SBI बैंक में जो है आप जाएं, और हमें भी इस बात की खुशी होगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।